हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम आए हैं प्रैक्टिस मॉल, ये लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। आप इनके चैनल पर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी तरफ से अच्छा से कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये करते हैं फैमिली ब्लॉगिंग, आप इनके चैनल पर लाजमी जाइएगा। वो जो मेरी फैमिली, मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं आज इनको मिली हूँ जी। वो फैमिली आज मैं इनको मिल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। तो जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यार कर रही है मेरे उनसे, बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं हमें। तो थैंक यू, आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको बहुत सारा प्यार करें। मामा इमोशनल हो गए, मामा नॉन एजुक हो गए, ठीक है। जैसे पता नहीं बरसों के पीछे रहने लगे हैं। सो इन सलमान भाई की और नरिश्पा जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी देख सकते हैं आपके लोग इनको मिलने आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो आज मम्मा मिली है महविश अभी को और सुलेमान भाई को, तो उनसे मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो हमने उनसे बोला है अगर आप टाइम निकालें तो हमारे घर आएँ, हम उनके खाना बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्योंकि उनको भी पता चले लाहौर में भी बहुत प्यार है, तो इसलिए हम कहते हैं वो आए हमारे पास। तो उन्होंने कहा अगर टाइम होगा तो हम ज़रूर बताएँगे, तो आप करेंगे। तो अभी तो हम घर जा रहे हैं क्योंकि रश बहुत है, उनके बहुत फ़ैन हैं, तो हम मिलकर उनको जा रहे हैं। अब हम घर जाएँगे तो फिर आप
और अगर जब हम कॉल करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको भी पता चलेगा कि अगर वो हमारा कुछ प्लान बनता है मिलने का तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम घर जा रहे हैं तो भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो पापा क्या खिला रहे हो आज? ये भी एक सरप्राइज है। हाँ, जाएंगे फिर पता चलेगा। वैसे तो हमने आज घर में कोफ्ते बनाए हुए हैं, लेकिन घर से नहीं खाना कह रहे हैं, एक दफ़ा खा लिए हैं। मम्मा पापा ने 100 रुपया दे देना, उन्होंने कहना लोन जो मर्जी मंगा लो। चलो देखते हैं क्या खाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखे जी, एग्ज़िट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से जाने के लिए, अपनी बाइक्स की तरफ जा रहे हैं हम। चलो चलो, मम्मा तुम इंज ही घूम के फिर उधर नू वापस हो जाना सी। मलाइका कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर आके? अच्छा लगा। इधर देखना, शर्मा क्यों रही है? कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ खाना पीना? आज मलाइका ने कहा मैंने जाना साथ, मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी खुश हो जाए बच्ची। कुछ खाना पीना है? बच्चे खुश तो सब खुश। नहीं, इसका नहीं दिल कर रहा कुछ खाने पीने का, फिर हम ही खाएंगे और ये देखेगी सिर्फ जी। अभी हम घर जा रहे हैं, ये देखे स्टैंड गाड़ियों का, तो वो गाड़ियाँ लेने जा गए हुए हैं, तब भी बाहर से देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो आज हमारे साथ मलाइका आई है, कहती ताई मैंने जाना आज, तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ, आज ही मान नहीं साथ, तो मैंने कहा आज मलाइका आ जाओ। इतनी यहाँ पे देखो बाइक्स लगी हैं और इनमें से अपनी बाइक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर है, ये है जी, मिल गया। चलो जी, गुल्फा करते हैं। चॉकलेट और गुल्फा कर दे, ये कौन सा है? टूटी फ्रूटी। स्ट्रॉबेरी और टूटी फ्रूटी कर दे। आइसक्रीम आ चुकी है, पापा ने बोला था कि ये चलो खिला दूंगा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जी हमें बोला था ना हम जाकर उधर से कुछ खाएंगे, वहाँ तो कुछ खा नहीं सके, उधर रश इतना था जिनसे मिलेंगे ये थे, तो हमने कहा चलो वापसी पे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हम आइसक्रीम खा के अभी घर जाएंगे। तो मेरे आंखों में आंसू आने का मतलब ये नहीं था, ये मैं पता नहीं क्यों रो पड़ी हूँ, वैसे भी खुशी की आंसू थे। आज तक मेरी इतनी वीडियो आपने देखी, कभी किसी वीडियो में ऐसा नहीं ना होगा, तो आप ये ना सोचें पता नहीं क्यों ये रो रही है, ये वैसे ही मेरे आंसू निकल आए, ये खुशी के आंसू थे, तो इसीलिए रो रहे थे मम्मा। अभी खाके हम घर जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो ब्लॉग यही तक था। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अच्छा, तो पापा की बात रह गई थी, तो पापा कुछ कह रहे थे तो सुन लो जी। पापा ये जो कप आप देख रहे हैं ना, ये कप हम 15 रुपये के लेकर खाते थे, अब जो है इसकी कीमत 90 रुपये है। ये कप देख रहे हैं, इतना सा कप है, 90 रुपये का कप है ये, और ये वो फ्लेवर भी नहीं बट स्वीट का जो पहले था 15 रुपये में, जो 20 रुपये 30 रुपये में। आप देखिए जी मुंबई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਠੀਕ